बुलंदशहर से बड़ी खबर, भाजपा नेता और पूर्व प्रधान हत्याकांड में शामिल शूटर्स की पुलिस से मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में साजिद और सुरेंद्र नाम के शूटर गिरफ्तार। पुलिस की गोली लगने से घायल हुए शूटर साजिद और सुरेंद्र। शूटर साजिद और सुरेंद्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छह दिन पहले अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव ढकनगला में भाजपा नेता पूर्व प्रधान रामवीर कश्यप की गोली मारकर कर दी गई थी निर्मम हत्या। पूर्व प्रधान ने जेल में रहकर कराई थी भाजपा नेता की हत्या। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की देखिए खास रिपोर्ट। विगत रात्रि थाना सलेमपुर क्षेत्र अंतर्गत तीन बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने की घटना कारित की गई थी, जिसमें कि दो बदमाश मौके से फरार हो गए थे, जिसको लेकर संपूर्ण जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। आज रात्रि थाना अहमदगढ़ पर जरिए मुखबिर यह सूचना प्राप्त हुई कि दो संदिग्ध व्यक्ति नहर की पटरी पर ग्राम ढकनगला की ओर जाते हुए देखे गए हैं, जिसमें कि थाना अहमदगढ़ एवं स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। इसके क्रम में बदमाशों द्वारा पुलिस को स्वयं से घेरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुलिस पार्टी के द्वारा भी फायरिंग की गई। फायरिंग रुकने पर यह पाया गया कि दो बदमाश घायल अवस्था में पड़े हुए हैं तथा उनके पास से दो तमंचा, दो खोखा कारतूस एवं दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने अपना नाम साजिद पुत्र मंजूर निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना जवां अलीगढ़ एवं सुरेंद्र पुत्र कांति प्रसाद निवासी उत्तरांचल कॉलोनी थाना नंदग्राम जनपद गाजियाबाद बताया। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि साजिद पुत्र मंजूर के द्वारा अपने साथी बल्लू और बलवीर के साथ मिलकर विगत दिनों में ग्राम ढकनगला में पूर्व प्रधान रामवीर की गोली मारकर हत्या की गई थी। घायल बदमाशों को तत्काल CHC पहासू यहाँ से भिजवाया गया है। इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।